तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के स्टॉक को लेकर के, ये ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम को लेकर के कंपनी कामकाज करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका कामकाज चल रहा है और चार्जिंग स्टेशन को लेकर के भी। ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है। अगर हम लोग बात करें कंपनी का फंडामेंटल का, तो चेकआउट कर सकते हैं। इनका मार्केट कैप 22,527 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 1905 का, हाई लगा चुका है 2,428 का, लो है 1113 रुपये का। स्टॉक पी है 124। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है और बुक वैल्यू 98 रुपये की। कंपनी डिविडेंड एल 0.07% का पे आउट कर रही है, मतलब बहुत छोटा सा डिविडेंड कंपनी डिविडेंड एल पे आउट कर रही है। ROC है 14%, ROE है 16%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग, जो कि अच्छा होल्डिंग माना जाता है। डेप्ट इक्विटी से 1.82, मतलब कंपनी का कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और एनुअली प्रॉफिट 194 करोड़ का है। डेप्ट है 2,127 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। इंडस्ट्री पी है 36 और EPS है 15 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 19 करोड़ नेगेटिव में और प्लस परसेंटेज बिल्कुल 0 है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखा गया है। आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट चेकआउट किया जाए तो देख सकते हैं जून वाले क्वार्टर में 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं पिछले साल जून 2023 में 114 का था, 2022 जून वाले क्वार्टर में 83 करोड़ का था। तो कंपनी की प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है अच्छे से। नेट प्रॉफिट की बात करें, 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का जून वाले क्वार्टर में, 2024 वाले क्वार्टर में, और जून 2023 में 30, जून 2022 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था। कहीं ना कहीं कंपनी अपनी प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज करती हुई हमें दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पर बात करें तो देख सकते हैं TTM में 599 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो हो रहे हैं। 2024 में 584, 2023 में 398, 2022 में 333 करोड़ का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करें, 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास TTM में। 2024 में 194, 2023 में 125, 2022 में 156, 2021 में 59 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक साल दो साल नहीं, लगातार कई सालों से परफॉर्मेंस बेहतरीन करके चल रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के आ रही है। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो कभी 10, कभी 12, कभी 8, तो छोटा मोटा डिविडेंड कंपनी पे आउट करती रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। ठीक है, बैलेंस शीट अगर चेकआउट किया जाए तो देख सकते हैं रिजर्व इनके पास 1,144 करोड़ का रिजर्व है, और ये रिजर्व हर साल इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 722 करोड़ का रिजर्व था, 2022 में 873 करोड़ का रिजर्व, 2023 में 1,006 करोड़ का रिजर्व है। वहीं अभी 2024 मार्च में 1,144 करोड़ का, मतलब कंपनी का रिजर्व हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं कर्ज की बात करें तो पहले कर्ज कम था 2020 में, फिर आस्ते आस्ते कर्ज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। कैश फ्लो 205 करोड़ है कंपनी के पास, नेट कैश फ्लो 10 करोड़ है कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाए तो देख सकते हैं 67% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 3.30% होल्डिंग FIs के पास है। DIIS के पास होल्डिंग है नहीं, 29% की होल्डिंग इनके पास है, 29% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक अंदर देखा जाए कि इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, देखिए साथ साथ पब्लिक के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का पैसा लगा हुआ है 7.7%, 7×14 और 15% का पैसा लगा 29 में से, मतलब 30% में से आप अगर 15 घटा लें तो 14% की होल्डिंग आम जनता का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, 14% का ही होल्डिंग है आम जनता का। स्टॉक का नाम बता दें, लेकिन उससे पहले बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक और एंजल वन का, किनका, अपस्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है। तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शेयर करके चल सकते हैं। स्टॉक का नाम JVM ऑटो लिमिटेड कंपनी का नाम है।
ये GVM ऑटो, ऑटोमोटिव, बिजनेस डेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, सीट मेटल्स, कंपोनेंट्स, टूल, डाइज, मॉडल्स एंड बसेस इंक्लूड सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट। बस और उनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो इंक्लूड एक्सेसरीज एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बसेस। तो बसों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कंपनी कामकाज करती है। इलेक्ट्रिक बस वगैरह भी कंपनी तैयार कर रही है। अगर हम की पॉइंट चेकआउट करें कंपनी की, तो देख सकते हैं बिजनेस डिवीजन के अंदर ऑटो कंपोनेंट सिस्टम, बस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी एग्रीगेटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम कर रही है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को लेकर के, तो जो भी ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं बहुत अच्छे से कंपनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे कंपनी काम कर रही है। मतलब फ्यूचर में और हाई डिमांड होने वाला है इन चीज़ों का। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें, 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु एक्सेट्रा, और भी जगहों पे कंपनी काम काज कर रही है। अगर रिवेन्यू बैकअप की हम लोग बात करें, तो देखो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 90% की रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 2% की रेवेन्यू सर्विस से, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% का है। जिसे डिवीजन वाइज रेवेन्यू की बात करें, तो कंपोनेंट डिवीजन से 70% की रेवेन्यू, टूल रूम डिवीजन से 8% की रेवेन्यू, OEM एंड OEM से 21% और अदर से 1% की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इनके क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं कंपनियां? अशोका लीलैंड, डाली, डैमलर, निसान, रेनॉल्ट, FCA, फोर्ड, टोयोटा, वॉल्वो, वोल्कोजिन, टाटा, होंडा, स्कॉट, महिंद्रा, होंडा, फोर्स एक्सेट्रा, और भी जो देश की दिग्गज कंपनियां हैं, मतलब जो भी दिग्गज कंपनियां, वो सभी के सभी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। तो हमने क्या देखा कंपनी का? हमने फंडामेंटल देखा। कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के पास नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी के पास जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो है कर्ज। बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मीडियम में कर्ज है कंपनी के पास, ठीक है। और करेंटली स्टॉक पी के सबसे स्टॉक ओवर वैल्यूड महंगा है, और इंडस्ट्री पी के सबसे स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक अंदर करेक्शन है 22% का, 22% के करेक्शन मोड में मिल रहा है। अगर अदरवाइज ये स्टॉक ना ऊपर के लेवल्स से अगर ये दिखला दे 30, 33, 35% का करेक्शन दिखला दे, तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार करेक्शन मोड दिखेगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी के समान हमें अपनी नज़रों में बना करके चला जा सकता है। क्योंकि स्टॉक 33-32% का करेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को, वैल्यूएशन को मैनेज करेगी, ठीक है। वैसे ये स्टॉक अगर देखा जाए तो मल्टीपल रिटर्न निकाल करके दे चुका है स्टॉक 2021 से। 2021 में ये स्टॉक 184 रुपये के प्राइस में था। अगर 184 रुपये के प्राइस में था ये स्टॉक, तो इस लेवल से अगर हम निकालें ऑल टाइम हाई का रिटर्न, तो देखो 1051 यानी 10 गुना पैसे को किया है सर ही, 10 गुना पैसे को बनाया है, तो मायने रखता है इतना हाई रिटर्न बना करके देना, ठीक है। मल्टीपल रिटर्न 2-4 सालों के अंदर अंदर मिल चुका है, ठीक है। अब अगर करेक्शन मोड में दिखता है स्टॉक, डेफिनेटली भी नज़रों में आकर रखा जा सकता है। आने वाले टाइम अभी और भी मल्टीपल रिटर्न दे सकती है ये स्टॉक, बट उससे पहले अगर हम देखें वैल्यूएशन को मेंटेन किया जाए, तो वैल्यूएशन इनका क्या है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक पी के हिसाब से। तो अगर स्टॉक 30-40% के करेक्शन मोड में दिखते हैं, डेफिनेटली भी नज़रों में आकर के रखा जा सकता है। आने वाले टाइम में मल्टीपल रिटर्न इस लेवल से भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस करके दिखला रही है, उस हिसाब से अगर करी फंडामेंटल उसी हिसाब से रहे हैं, तो ये स्टॉक किधर कहीं नहीं देखने के लिए मिलने वाले, बहुत ऊपर के लेवल दिखला सकते हैं आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं दोस्तों एक वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बना जा रहा ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो में, बाय।